हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा कि आप LLB की फाइल किस तरीके से तैयार कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपना कंटेंट लिखेंगे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये जो फाइल रहेगी वो LLB की रहेगी, सेकंड ईयर का। ओके, सेकंड ईयर के लिए रहेगी। सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट थे उनके लिए फाइल रहने वाली है। आप इस LLB के सेकंड ईयर के पेपर में आपने जो पेपर दिए हैं, एग्जामिनेशन पूरा किया है, उसमें अभी एक वाइवा बाकी है और उस वाइवा की जिक्र करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी फाइल को डेकोरेट कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी फाइल को बना सकते हैं। देखिए, स्टूडेंट का डिमांड था कि सर आप एक वीडियो इस तरीके का बनाइए जिसमें फाइल का पूरा कंटेंट हो। देखिए, आप कोई भी फाइल का सेकेंड ईयर का कोई भी टॉपिक ले सकते हैं और वो फाइल का टॉपिक जो है वो पूरा एक्सप्लेन होना चाहिए आपकी फाइल के अंदर, और उस फाइल के अंदर जो एक्सप्लेनेशन होगा उसी को आपका एग्जामिनर आपसे पुटअप कर सकता है, उसी कंटेंट से क्वेश्चंस को पुटअप कर सकता है। देन आप जो क्वेश्चंस के बेटर आंसर देंगे तो वो आपको बेटर रिजल्ट देंगे। अगर आप बेटर आंसर नहीं दे पाएंगे तो मिनिमम आपका एक कोई स्कोर आपको मिल जाएगा, बट ये है कि आपको पास कर दिया जाएगा। वाइवा के दौरान कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वाइवा में अगर आप फेल होते हैं तो पूरा का पूरा आपका ईयर बैक लगता है। ओके, चलिए तो देख लेते हैं फाइल किस तरीके से बनेगी। ये आपका सेकंड ईयर की किसी स्टूडेंट की फाइल है जो कि प्रीवियस ईयर किसी ने बनाई है, जो कि आगरा से मथुरा के बीच एक कॉलेज है गिरिराज महाराज, जो कि मथुरा में, फिलहाल मैं कहूँगा मथुरा की सीमा में है, और गिरिराज महाराज कॉलेज के किसी स्टूडेंट ने इसको डेकोरेट किया था प्रीवियस ईयर में। फिलहाल ये आपके पास है, आप इससे कर सकते हैं। आपको अगर ये फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं, दूसरा आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसकी लिंक से भी ले सकते हैं। तो चलिए, आज की जो वीडियो है इसमें बात कर लेते हैं किस तरीके से आप फाइल को डेकोरेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो कंटेंट है वो है फाइल में अभिवचन। अभिवचन में क्या है, अभिवचन का अर्थ क्या है, अभिवचन समझ लीजिए क्या होता है। अभिवचन होता है प्लीडिंग, प्लीडिंग इन द सेंस आप समझिए, जब केस को फाइल किया जाता है किसी केस को, तो उस केस फाइल करने की जो प्रक्रिया होती है उसे प्लीडिंग कहा जाता है। इसी तरीके से आप भी कोई टॉपिक ले सकते हैं और उस टॉपिक को पूरा अपनी फाइल के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर जो बच्चे ने एक्सप्लेन किया है वो प्लीडिंग को, प्लीडिंग के अंदर पूरे के पूरे कंटेंट को उसने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आप फाइल में अपनी डेकोरेट करेंगे और क्या होगी पूरे केस की प्रक्रिया, कहाँ से स्टार्टिंग होगा और कहाँ से फ्रीज हुआ। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्लीडिंग का अर्थ, नंबर वन जो टॉपिक लिया है वो है प्लीडिंग का अर्थ। प्लीडिंग के अर्थ में आप समझिए, फर्स्ट टू सेवन बच्चे ने लिया है कि प्लीडिंग का अर्थ क्या है। फर्स्ट टू सेवन में अर्थ बताया है कि प्लीडिंग कहते किसे हैं। आइए देख लेते हैं फर्स्ट टू सेवन में जो है प्लीडिंग किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले ये है बच्चे ने समरी के बाद जो दिया है, सबसे पहले समरी के बाद जो इंडेक्स है उसी को समरी कह रहा हूं। सबसे पहले इंडेक्स बनाया, इंडेक्स के बाद जो बच्चे ने बनाया है वो है अभिवचन का अर्थ। अभिवचन क्या है, देखिए अर्थ जो प्लीडिंग है, माननीय न्यायालय के समक्ष किसी मामले की सुनवाई आरंभ होने के पूर्व यह आवश्यक है कि मान्यता जो न्यायालय है वो स्पष्ट रूप से यह विवाद जो हुआ है हो के इसे किस बात पर निर्णय लेना है, यानी उसे किस बात पर सोचना है कि जो मसला हमारे पास आया, यानी कि जो केस आया है वो किस बात पर है, क्या है इसकी वजह जो ये केस बना है, वो है प्लीडिंग अर्थ। तो वो पहले आपने प्लीडिंग का अर्थ लिखना है कि प्लीडिंग का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अभिवचन का उद्देश्य यानी कि उसका एम क्या है, ये इस बच्चे ने जो डिजाइन किया है वो पेज नंबर 7 से 14 पर है, आप इसे देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से आपको अपना इंडेक्स तैयार कर लेना है। फिर उसने लिखा है अभिवचन के नियम, इसके लॉ क्या क्या होने वाले हैं, कितने तरीके के लॉ होने वाले हैं। बच्चे ने इसमें लिखा है 4 टाइप ऑफ लॉ, जो कि प्लीडिंग है, 4 टाइप ऑफ लॉ इन प्लीडिंग, तो वो यहाँ पर लिखा है। अभिलेख यानी कि जो उसके पास अभिलेख है उनके संशोधन भी लिखा है। वाद की विवेचना भी लिखी है कि विवेचना यानी कि कौन सा वाद हुआ, किस एक्ट के अंदर आएगा, वो पूरा का पूरा यहाँ पर पूरा का पूरा प्रारूप बना दिया है, जो कि पेज नंबर 26 तक है। ओके, ठीक है, आगे देखो निम्नलिखित कथन भी दिए हैं, यानी कि आपको इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो भी यहाँ पर दिया गया है। तीसरा दिया है कि आपराधिक अभिवचन क्या है, इसमें
जो केस फाइल करने वाले जो वचन है यानी कि जो प्लीडिंग है केस किस वजह से फाइल किया है वो भी यहाँ पर लिखा है, अविवाद का स्तंभनामा भी लिखा है, रिपोर्ट भी लिखी है कि एफआईआर किस बेस पर हुई है और स्तंभनामा भी लिखा है, ये पूरा का पूरा आपको कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है। जमानत के लिए आवेदन भी कर सकेंगे वो क्या क्या है, यानी कि इस केस के अंदर जमानत किस बेस पर हो सकती है वो भी लिखा है। दूसरा आप देखेंगे कि परिवाद जो है प्रारूप लिखा है इसमें पूरा का पूरा वाद का प्रारूप, यानी कहां से ये बना किस तरीके से ये हो सकता है। विस्तृत विलेख भी लिखा है, पट्टा भी लिखा है, मुख्तारनामा भी लिखा है। इस तरीके से इस पूरी फाइल को डिजाइन किया है इस बच्चे ने, और इस पूरी फाइल को डिजाइन करने में जो पेजेस लगे हैं वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 55 पेजेस की ये पूरी की पूरी फाइल है। 55 जो पेजेस हैं वो पूरे पूरे इस फाइल में डिजाइन किए हैं। आप इस फाइल को डिजाइन कर सकते हैं, अच्छे से डेकोरेट भी करिए और अच्छे से कंटेंट हेडिंग बाकायदा लिखिए इसमें, और फिर इसे अपने कॉलेज से साइन कराइए यानी कि चेक कराइए, या फिर आप वाइवा के दौरान भी टीचर से साइन करा सकते हैं। वाइवा के दौरान भी साइन कराने के बाद जब आपका वाइवा होगा तो वहां पर आप इसको अपने साथ रखेंगे, जब वाइवा होगा तो एग्जामिनर आपको बुलाएगा और आपकी फाइल को चेक करेगा, फाइल को चेक करने के बाद आपसे इसी से क्वेश्चन पुट अप करेगा कि चलिए आप बताइए कि आपने जो प्लीडिंग लिखा है इस प्लीडिंग में ये जो केस है किस सेक्शन के अंदर आता है, वो आपको बताना पड़ेगा कि सर ये इस सेक्शन के अंदर आता है, इसकी वजह ये रही होंगी, इसका कारण ये है, और मतलब टोटली ऑल ओवर आपको जो फाइल डेकोरेट की है उसी फाइल से क्वेश्चन पुट अप होगा। जितना अच्छा आंसर आप दे पाएंगे उसका स्कोर आपको अच्छा मिलेगा, आपको ऑल ओवर जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे, क्वेश्चन जो पुट अप होंगे वो 100 मार्क्स से होंगे, आप जितने अच्छे आंसर देंगे वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। देखिए एक मैं खास बात आपको बता देता हूँ कि जो भी आपको यहाँ पर आंसर आप दे पाए या ना दे पाए आपको पास तो हर हाल में कर दिया जाएगा, बट मैं बता दूं कि अगर आपको फेल कर दिया जाता है तो आपका ईयरबैक लगेगा, क्योंकि वाइवा में अगर वाइवा में अगर आप फेल होते हैं तो आपका ईयरबैक निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। तो इस वजह से एग्जामिनर भी सोच लेते हैं कि बच्चों को पास कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और आपको अच्छे से पास कर दिया जाएगा तो आपको बेहतर यह है कि पूरी की पूरी फाइल को पढ़ कर जाएं और अच्छे से इसे कवर करके जाएं। ठीक है, अगर आपको इसी फाइल को कॉपी करना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा और आप उस लिंक को लेकर अपनी फाइल को डिजाइन कर सकते हैं। तो ये थी पूरी प्रक्रिया फाइल की। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा और उस कमेंट का मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो ये मैं फिर से बोलूंगा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। दूसरा, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक छोड़ूंगा, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट और दी गई मैसेज जो है वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट सही लगता है तो थैंक यू फॉर की वॉचिंग।